बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता रही मालती वंजारे के हत्याकांड की गुत्थी 5 सालों से नहीं सुलझ पाई है, जिसे लेकर एक बार फिर जांच की मांग उठने लगी है। वहीं मृतका के परिजन ने अपनी बेटी के बीजेपी में बढ़ते कद को लेकर विरोध में आए भाजपाइयों पर ही हत्या में शामिल होने की आशंका जताई। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार से उन्हें उम्मीद है, जिसे लेकर विधायक चंद्रदेव राय को कई बार लिखित आवेदन दिए गए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेटी के विधायक करा दें, मुख्यमंत्री भला दें, आवेदन एसपी करा भला दे, पति है फिर भी कुछ आवा और सिग्नेचर ले लेवा तो हाँ लेना भाग जाए, कुछ भी नहीं हुई मोर बेटी के भाजपा की तरफ से। हम सख हवा भाजपा के कोई भी नेता हुआ कि कोई भी हुआ भाजपा की तरफ से मोर बेटी हत्या कराए गए। भाजपा के नेता ममता बाहे हूँ, भाजपा के नेता से मोर बेटी मरवाए कई बार इंटर गए, कोई सुनाई नहीं करी। भाजपा के नेता होकर मोर बेटी या कार्यकर्ता होकर सर भाजपा के नेता हाथ मार जोड़े उल्टा मोरा दबाव डाली तो का करे नहीं जाओ जैसे करबो करके मोरा दबाव भी डाली नहीं। भाजपा के नेता तेन हमारे क्षेत्र में दा कर कांग्रेस की सरकार मोर इंसाफ दही का लगा थे अभी वर्तमान में भरसा है। 6/11/2015 का घटना है, इससे अभी तक क्राइम ब्रांच वाले कातिल को हत्यारा को ढूंढ नहीं पाए हैं, बल्कि मेरे ऊपर संदेही बनाकर मेरे को परेशान किया गया, जिसमें नार्को टेस्ट भी करवाया गया। नार्को टेस्ट में भरी हूँ क्योंकि मैं घटना किया ही नहीं। हाँ, नई सरकारों पर तो बिल्कुल विश्वास है कि हत्यारा बिल्कुल मिल जाएगा। पुलिस उसमें भी कर रही है और हर संभव प्रयास उसमें जारी है, पुलिस का प्रयास जारी है और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें। सर संबंध में कुछ नहीं करना है, तो पुलिस अपना काम कर रही है और हर संभव प्रयास उसके लिए कर रही है। और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के